प्रदेश के पूर्वी गोदावरी जिले में रविवार को हुए नाव हादसे के बाद अब तक 17 लोगों के शव बरामद किए जा चुके हैं। राहत और बचाव टीम ने मंगलवार सुबह 9 शवों को खोज निकाला। अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। कचलूरू के पास गोदावरी नदी में रविवार को 70 से ज्यादा सैलानियों से भरी नाव पलट गई थी। पूर्वी गोदावरी जिले में नौका पलटने की घटना के बाद तीसरे दिन गायब लोगों की तलाश जारी है। अधिकारियों ने जानकारी दी थी कि सोमवार को बचाव कर्मियों ने गोदावरी नदी से 4 और शव बरामद किए और अन्य पर्यटकों को तलाशा जा रहा है। इस हादसे के बाद 27 लोगों को बचा लिया गया था। आपको बता दें, अधिकारियों की ओर से बताया गया था कि राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की टीम ने सोमवार को एक बच्चे समेत 4 शवों को बाहर निकाला। अभी भी कई लोग लापता हैं। सोमवार सुबह लोगों की तलाश के लिए खोज अभियान फिर से शुरू किया गया था। लोगों को खोजने के लिए भारतीय नौसेना के 2 हेलीकॉप्टरों के साथ गोताखोर भी प्रयास कर रहे हैं। साथ ही तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम का एक हेलीकॉप्टर भी बचाव और खोज अभियान में लगा है। तो वहीं एनडीआरएफ के साथ ही राज्य आपदा मोचन बल और अग्निशमन कर्मी 8 नौकाओं के साथ अभियान में जुटे हुए हैं। नौका में 61 पर्यटकों के अलावा चालक दल के 9 सदस्य और 3 गायक सवार थे। पापीकोंडा पहाड़ी जा रही यह नौका रविवार दोपहर कचुलूरू गांव के पास पलट गई थी। नदी का जलस्तर बढ़ने के कारण अधिकारियों ने पिछले 2 महीनों से नदी में नौका सेवा बंद कर रखी थी। इसके अलावा 5 लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बावजूद नौका का संचालन किया गया। चालक नदी की स्थिति से भी स्पष्ट तौर पर परिचित नहीं था। वह नदी की गहराई को लेकर खतरनाक माने जाने वाले क्षेत्र में नौका लेकर गया। माना जा रहा है कि पानी के तेज प्रवाह के साथ ही 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बह रही हवा इस दुर्घटना का मुख्य कारण बनी। चालक और उसके सहायक दोनों को हालांकि अपनी जान गंवानी पड़ी।